स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर पर लगा देंगे ग्रहण, और ये ग्रहण, अब चलिए ग्रहण की बात आई दोस्तों, तो आप लोगों के मन में होगा कि ग्रहण मतलब खराब होता है, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं जानते तो जान लीजिए, ग्रहण जो लगता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वो राशियों पर लगता है, तो कुछ राशियों के लिए नुकसान पहुंचाता है, कुछ राशियों के लिए बहुत लाभदायक होता है दोस्तों। और कहा होता है कि खुदा जब देता है तो छप्पर फार कर देता है, और लेता है तो स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर पर लगा देंगे ग्रहण, खतरनाक हो जाएगा अडानी इंटरप्राइजेज। जी दोस्तों, जल्दी ही 5000 पार हो सकता है। टाटा और बिरला के बाद अब अडानी ने किया धमाका सीमेंट सेक्टर में और दे दिया चैलेंज कि आ जा अब अखाड़े में, हम भी देखते हैं किसमें कितना है दम। तो ये अडानी इंटरप्राइजेस जो है दोस्तों, मैं बता दूं, ये सिर्फ तेल मसाला बिस्किट नहीं बेचता है, तेल इसका आता है फॉर्च्यून, लगभग 20 देशों में इसके एक्सपोर्ट होते हैं, आपके घर में भी देखने को मिलता है। तो अडानी इंटरप्राइजेज जो 3 साल में दिया है स्टॉक धारक को, देश के शेयर होल्डर को, ऐसे ही 20 साल पहले जो कुछ स्टॉक थे जो आपको 280,000% 280,300% मतलब 3,00,000% के आसपास प्रॉफिट दिए, किसी किसी ने स्टॉक ने 125,000% 1,25,000% 1.5-1.5% प्रॉफिट दिए। बैंकों में अभी तक मैं बता दूं दोस्तों, हमारा सॉफ्टवेयर आज लाया है आपके लिए खजाना, और ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस पे हम आपको अपडेट कर दूं, लेकिन जब ये अंबुजा सीमेंट और एससीसी सीमेंट की जब बात आई सामने, तो 100%, और मैं 1 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आज जो अडानी इंटरप्राइजेस देख रहे हैं उसके बाद अडानी विलमार का क्या जलवा होगा आप ये भी जान लीजिए। अडानी विलमार और अडानी पोर्ट, ये दो स्टॉक अडानी ग्रुप का हमारे नज़रों पे चढ़ गया है दोस्तों, और इसको भी जल्दी से 1000 पार करके दिखा देना है। अडानी इंटरप्राइजेस तो 5000 से ज़्यादा है, उसके बाद स्प्लिट होगा। जितने भी अडानी ग्रुप के कंपनी है, हमारी एनालिसिस कहती है, हम अपनी व्यक्तिगत राय बताते हैं, उनकी कंपनी का जो भी एनालिसिस्ट होंगे, जो भी उनके इकोनॉमिस्ट होंगे, जो उनके चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, जो उनके प्लानर होंगे, जो प्रोजेक्टर होंगे, और जो ज़्यादा, हम तो बच्चे हैं अभी उन सभी के सामने में, फिर भी सीखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तक हमारी ये इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का कंक्लूशन करके बता रहा है दोस्तों, कि अडानी के जितनी भी कंपनियां अगर स्प्लिट जिस दिन हो जाए, समझ लीजिए कि FII भी बढ़ेंगे, MF स्कीम और DII भी बढ़ जाएंगे, और इसके साथ साथ पब्लिक देखती है, पब्लिक जिस जो मार्केट में दिखता है, जो बाज़ार में दिखता है दोस्तों, वही बिकता है। तो आज 3 साल से देख रहे अडानी ग्रुप कहाँ पहुँचा है, और ऐसे नहीं पहुँचा, हकीकत में सामने धरातल पर दिखता है दोस्तों। अगर आपका प्रबंधन किसी भी कंपनी में, 2 मिनट का समय लेंगे दोस्तों, किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है उसके डेवलपमेंट में, उसके विश्वास में, और विश्वास तभी पड़ती है कंज्यूमर को जब उसके प्रोडक्ट
सामने उसके घरों में दिखते हैं, उसके आसपास दिखते हैं, उसके घर के अलावा जहाँ भी जाता है उस कंपनी का प्रोडक्ट दिखता है। जैसे टाटा बिरला, हमारे भारत जब देश आज़ाद हुआ, हमारी इंडिया जब आज़ाद हुई, उसके पहले से ये काम कर रहे हैं टाटा बिरला। और ये टाटा बिरला एक मिसाल कहावत बन गया था, गांव में कहते थे लोग, ये कोई बड़ा सोच लेके कोई बोला कि हम ये करेंगे। अब जैसे मैं बोलता हूँ 10,000 करोड़ बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में आया हूँ, तो लोग कुछ बोलते होंगे, मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता क्या कौन बोलता, हम जानते हैं अपने आप को, मैं जानता हूँ हम अपने आप को जानते हैं, और आप भी अपने आप को जिस दिन जान गए ऐसे ही बात बोलेंगे। तो कोई बड़े सपने किसी के सामने बोल दिया तो बोलता है ये टाटा बिरला है, या कोई रास्ते से जा रहा है और थोड़ा ईगो अहम रहता है, या किसी से, इसलिए कि दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों, एक तो उनको भी अहंकारी कहा जाता है जो अपने आप के सपनों में खोए रहते हैं, उस मंजिल को पाने के लिए किसी के परवाह नहीं करते, ना किसी को सामने से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो तो अपने में है, तो लोग क्या करते हैं अहंकारी है, ऐसी नहीं बात है, उसका मिशन है, उसका प्राइज है, वो तो उसी में लगा हुआ है, वो अहंकार क्या करेगा। दूसरे ऐसे शब्द कहे जाते हैं उन लोगों के लिए, ये बड़ा घमंडी है, ये बहुत अपने आप को पैसा वाला समझते हैं, किसी को समझता ही नहीं है, ये भी बात नहीं है, वो तो उसमें लगा हुआ है जो हम लोगों को दे सके, वो चीज़ देखा है जो कोई नहीं देखा। तो अडानी ग्रुप, टाटा और बिरला बजाज के रास्ते पे चला दोस्तों, और ये ऐसे नहीं चले, ये ज़मीनी हकीकत जानते हैं। और एक साल पहले का 2-3 वीडियो आप देखेंगे तो उसमें एक हेडी को मिलेगा हमारा, अडानी किचन के बाद, अडानी किचन के बाद घर बनाने आपका आ रहे हैं, ऐसा हमने हेडिंग करके एक वीडियो डाला था, और ये आज के डेट में आप देख लीजिए, आप तब पता चलेगा एमबीए बीके सिंह क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। हमको उसी समय न्यूज़ मिला था कि ये सीमेंट सेक्टर में आ रहे हैं, और अडानी इंटरप्राइजेस के अंतर्गत ये स्टॉक्स रहेगा। दूसरी तरफ मैं बता दूँ कि एक स्टॉक जो है उड़ीसा में ये शुरू किए हैं, एल्युमिनियम सेक्टर का स्टॉक है, और ये एल्युमिनियम का जो नाम है मैं बता देता हूँ, ये भी अडानी इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आने वाला है, और ये बहुत दिनों से कंपनी बना चुके थे, हो सकता है कि इस एल्युमिनियम कंपनी का जो नाम हम आपको दे देंगे, अभी मेरे सामने कहीं, एक मिनट, तो ये बहुत दिन से कंपनी बना चुके थे एल्युमिनियम सेक्टर में, और एल्युमिनियम कंपनी अभी उड़ीसा में बीजू पटनायक सरकार जो है उनको अप्रूवल दे दिया है, आदेश दे दिया है कि आप यहाँ पे फैक्ट्री बैठाइए एल्युमिनियम का, और ये इसको लेके अब अडानी इंटरप्राइजेस का जो प्राइस है भले स्प्लिट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्टॉक एक साल में मैंने देखा क्या जबरदस्त प्रॉफिट दिया दोस्तों। अडानी का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, 3 साल में कोई 8,000%, कोई 5,000%, कोई 4,000%, कोई 2,000%, 1,000% तो बहुत दिए। और इसी के साथ मैं बता दूँ आज के डेट में अडानी ग्रीन एमर्जी, अगर पहली बार आए दोस्तों इंट्राडेटेक मुंबई एमबीए बीके सिंह चैनल पे, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जस्ट सुबह का देख लीजिए वीडियो, 22-23 मिनट का वीडियो है, सेव कर लीजिए। स्टॉक मार्केट में अमीर और धनी करोड़पति बनने के सपने लेकर आए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए मैं बता दूं कि ये जो स्टील और एल्युमिनियम का जो सेक्टर का स्टॉक है, और ये हो जाएगा अडानी इंटरप्राइजेज जो है आपका प्राइस 5,000 के पार, और सोमवार को अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, टाटा पावर,
SJBN, NHPC, IRCTC, SBI कार्ड जैसे स्टॉक जरूर देखिएगा। और दूसरी तरफ मैं बता दूं दोस्तों, आप 1000% का डिविडेंड लेना चाहते हैं, अगर आपके पास है ये स्टॉक, तो मैं उसको भी अपडेट कर दूं कि ये शेयर बेचना नहीं, 1000% का डिविडेंड ये कंपनी ने 8 सितंबर से 22 सितंबर के बीच बोर्ड मीटिंग में आपका करने वाला है, और ये है आपका 1000% डिविडेंड देने वाला बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया, बैंको BANCO, बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया 1000% देने वाला। दूसरा है आपको, कोई ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान का क्या, ये विदेशों में भी लगभग 17 देशों में इसकी घर बनाने के लिए लोन देता है कंपनी, और ये पूरी दुनिया में फेमस है। LIC हाउसिंग फाइनेंस जो आपको 200% ये 425% का डिविडेंड देने वाला है, और इसका डेट है 19 सितंबर, आपको जल्दी खबर मिल जाएगी। सबसे पहले आपको MBA के सिंह आपको बता रहे हैं, 19 सितंबर के पहले ही आपको मिल जाएगा कि क्या इसका एक्स डेट है और क्या इसका इंटरिम डिविडेंड। LIC हाउसिंग 425% और 250% एक और डिविडेंड देने वाला है स्टॉक, अगर आपके पास वो भी है तो आप रख लीजिए, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स लिमिटेड 250 और 425, 675, 1675% का डिविडेंड जिसको लेना है, ये कंपनी सेल नहीं करना दोस्तों। बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स एंड लाइफ हाउसिंग लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं आते रहूँगा आपको हर अपडेट करने के लिए, और आपको मेरा वादा है दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो जाए डरना नहीं, बस एक बात, इसलिए कि आपको, इसीलिए मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखते जा रहा हूँ कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये वीडियो आपको मैं भेजते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ, ताकि स्टॉक मार्केट को कभी भी आप कमज़ोर ना समझे। स्टॉक मार्केट कहता है कि तुम अपने आप को समझो। हमने सोचा भी नहीं था दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक हमने सोचा भी नहीं था कि ले लो, और आज प्रमाण है दोस्तों, अडानी के जितने भी स्टॉक हैं, और इसके बाद एक पैनी स्टॉक आएगा दोस्तों, 9 रुपये का पैनी स्टॉक, वो है स्प्रिट बेवरेज वाइन सेक्टर का स्टॉक, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और ये आपको रादार 6 महीने के लिए ले लीजिए तो कम से कम 1000% का प्रॉफिट दे सकता है। 9 रुपये का स्टॉक है ये, 90 रुपये कभी भी हो सकता है, बॉम्बे स्टॉक इसके बाद आएगा, जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, उसके साथ साथ हमें भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को एक चैनल शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर रहेंगे तो उनको देर है, अंधेर नहीं है दोस्तों, MBA BK सिंह इंटरडेट टेक मुंबई के चैनल को। दूसरा हमारा एक चैनल है दोस्तों, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर बहुत जल्द आपको इंट्राडे जो हमने वादा किया था, इंट्राडे की पूरी पढ़ाई उस पर होगी, उस चैनल पे फ्यूचर की पढ़ाई होगी, ऑप्शन की पढ़ाई होगी, और कैंडलस्टिक की पढ़ाई होगी, चार्ट की पढ़ाई होगी, वीकली मंथली सब केवल पढ़ाई होगी उस पर। उसका नाम है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुबेर का खजाना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम किसी को लिंक भी आपको जो कमेंट करते हैं उसमें लिंक में आपको देते रहते हैं, उस लिंक जाता है तो उसको जरूर देख के, और क्या वीडियो है उसमें उसे मतलब मत रखिए, क्योंकि 22 जुलाई को हमने उस चैनल को बनाया है और 1 महीना भी अभी नहीं हुआ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएगा तो हम दूसरा आपको वो कम्युनिटी के माध्यम से हम आपसे जुड़ते रहेंगे, ये हमारा रिक्वेस्ट है। आई मस्ट रिक्वेस्ट टू प्लीज़ टू ऑल ऑफ यू इन्वेस्टर ट्रेडर, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टॉक मार्केट में कुबेर का खजाना उस चैनल का नाम है।
आप जब लिखेंगे यूट्यूब पे तो आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं लिंक में भी दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत मंत्र। आप हर काम कीजिए जिससे आपका भी भला हो, देश का भी भला हो।